السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین مجلس اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام بچوں کے درمیان کرائے گئے دینی مسابقہ کے اندر کامیاب ہونے والے طلبہ و طالبات کے درمیان انعامات کی تقسیم کی مناسبت سے رکھا گیا الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ بچوں کے درمیان ان کے حوصلے کو بلند کرنے کی غرض سے یہ چوتھا مسابقہ کرایا گیا یقین جانے کہ بچے یہ ہمارے مستقبل ہیں ہمارے فیوچر ہیں اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کی اور بچوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور ان کے اندر دینی جذبہ دینی حوصلہ پیدا کرنے کی غرض سے اس طرح کے مسابقات کرائے تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ اور فائدے ہمیں حاصل ہوں گے کیونکہ یہ دور فتنے اور آدمائش کا دور ہے اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کے تئیں فکر مند ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے لہذا جو لوگ بھی اس پروگرام میں حصہ لیے اور بچوں
के दरमियान मुसाबका कराने में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और जिन्होंने आज इस महफिल को कायम किया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को इस कारे खैर का बेहतर बदला दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। आमीन। मोहतरम सामईन, अभी हमने किरत के बाद हाफिज़ मोहम्मद अरशद साहब की ज़बानी एक बेहतरीन नात समाअत की, जिसका उन्वान ही था कि अगर जन्नत में जाना है इताअत कर मोहम्मद की, रज़ा खालिक की पाना है तो इताअत कर मोहम्मद की। क्या बेहतरीन ये नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी ताल्लुक से मैं भी कुछ बातें आपके सामने रखूँगा कि जन्नत में जाने के लिए हमें इताअत करना ये कितना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग बसा औकात ये कह देते हैं कि क्या सिर्फ़ कुरान और हदीस की ही इत्तबा की जाए और हमारे जो अइम्मा हैं उनको छोड़ दिया जाए, या फिर ये कि हमारे अइम्मा भी तो उन्हीं की दावत देते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो यही है कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इसी में हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करके ही हम आखिरत में जन्नत पा सकते हैं, दुनिया के अंदर कामयाब व कामरान हो सकते हैं। लिहाजा हम में से हर शख्स को इस ताल्लुक से गौर व फिक्र करना चाहिए। आप अगर शुरू से देखें तो आपको खुद एहसास होगा कि हमारे इस दीनी इस्लाम का ज़ाब्ता और उसूल क्या है। हम सबको पता है कि इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपने हाथ से बनाया, उसमें रूह फूकी और फिर उनकी बाई पिछली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर इन दोनों को रहने के लिए जगह कहाँ दी, वो जगह दी जिसमें जाने के लिए या जहाँ पर पहुँचने के लिए हर इंसान तमन्ना करता है। यहाँ तक कि काफिर भी तमन्ना करते हैं, गैर लोग भी तमन्ना करते हैं। आप किसी गैर मुस्लिम भाई से पूछें कि आपके फ़लाँ भाई या आपके चचा या आपके फ़लाँ का इंतकाल हो गया तो आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं, या ये कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, तो यही जवाब देगा कि मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि इसके ज़रिए ऊपर वाला हमें बेहतर बदला दे और हमारे जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में हम ऊपर वाले से यही उम्मीद रखते हैं कि ऊपर वाला उन्हें स्वर्ग में दाखिल करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, दूसरे लोग भी जाने की तमन्ना करते हैं। उस मकाम को रहने के लिए हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। वो मकाम क्या है? वो मकाम है जन्नत। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वकुलना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शितुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह ने कहा ए आदम ए हव्वा, तुम दोनों इस जन्नत के अंदर रहो, खुशी खुशी खाओ पियो, जहाँ दिल करे जाओ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। एक दरख्त की निशानदेही अल्लाह ताला ने कर दी कि इस दरख्त के करीब न जाना और बाकी जन्नत के जिस हिस्से में जाओ खाओ पियो रहो सहो कोई मसला नहीं। लेकिन शैतान के बहकावे में आकर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब उस दरख्त के फल को खा लिया तो फिर नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इन दोनों को दुनिया में उतार दिया। अब वो दरख्त कौन सा था, इस ताल्लुक से बहुत सारे लोग बहुत सारी बात कहते हैं। कोई कहते हैं गंदम का दरख्त था, कोई कहते हैं किसी और का दरख्त था, लेकिन सही कौल यही है कि हम उसे शजरे ममनुआ कहें, शजरे ममनुआ। और फिर ये कि अल्लाह ताला ने आपको और हव्वा अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन पर उतारा, कहाँ उतारा, इस सिलसिले में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। कोई कहते हैं अरफा के मैदान में, कोई कहते हैं श्रीलंका में, कोई कहीं, लेकिन सही बात ये है कि सिर्फ इस सिलसिले में हम इतना कहें कि अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन पर उतारा, यही सही बात है। मकामात की तयन करना कि फ़लाँ फ़लाँ जगह, या किसी सही कौल से वादे नहीं है। बहर कैफ जब अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उनकी गलती की बिना पर ज़मीन पर उतारा तो उनके लिए और उनकी कयामत तक आने वाली औलादों के लिए एक कानून, एक दस्तूर, एक उसूल, एक ज़ाब्ता मुकर्रर फरमा दिया और कहा सुनो
जो इस कानून के तहत ज़िंदगी गुजारेगा उसके लिए आखिरत में जन्नत है, और जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसका ठिकाना जहन्नम है। वो कानून क्या है, वो दस्तूर क्या है जो रब्बे ज़ुलजलाल ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन पर उतारने के बाद बनाया, वो कानून अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत खुद कुरान में बयान फरमा दी। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन इत्तबा हुदाया फला यदिल्लु वला यश्का वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहू यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा। लंबी आयत है जिसका तर्जुमा और मफ़हूम ये कि अल्लाह ताला ने कहा, सुनो तुम्हारे पास हमारी जानिब से हिदायत आएगी, तुम्हारे पास हमारी जानिब से हिदायत आएगी, और जो उस हिदायत की पैरवी करेगा उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा वो तो न गुमराह होगा न मुश्किल में पड़ेगा, लेकिन जो इसके बरअक्स ज़िंदगी गुजारेगा वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो इस मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा मैं उसकी ज़िंदगी को तंग बना दूंगा, क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाऊंगा। वो शख्स अल्लाह ताला से सवाल करेगा, परवरदिगारा मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं दुनिया में साहिब बसीरत था, मैं देखने वाला था, आज मुझे अंधा करके क्यों उठाया गया। अल्लाह ताला कहेगा, ऐ शख्स सुन, तो दुनिया में तेरे पास मेरी आयतें आया करती थी, उलमा कुरान और हदीस को पढ़ पढ़ कर सुनाया करते, लेकिन तुमने अपनी आँख को बंद कर लिया, तुमने उसको नहीं समझा, तुमने उसको भुला दिया, इसलिए आज तुमको भी यहाँ भुला दिया गया, तेरी कोई हैसियत नहीं। फिर ये कि उसका ठिकाना जहन्नम बना दिया जाएगा। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है, अगर कोई शख्स उस कानून की पैरवी करता है वो जन्नत में जाएगा, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। वो कानून कानून हिदायत है, वो कानून कानून हिदायत है, और हिदायत से मुराद कुरान और हदीस है। अल्लाह ताला ने इसकी भी वजाहत बयान फरमा दी, अल्लाह नज़ल अहसन الحديث كتابا متشابها مساني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन हदीस नाजिल फरमाई, किताबम मुतशाबिहा, जिसके मजामीन टॉपिक उनवान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मसानी बार बार दोहराई जाने वाली ये किताब है। और ये बात याद रखे, कुरान करीम जितनी ज़्यादा दुनिया में पढ़ी जाती है इतना कोई और किताब नहीं पढ़ी जाती है। तक्शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम, तक्शइरु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख्शौन रब्बहुम, उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो लोग अपने रब से डरते हैं। ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله, फिर उन लोगों के जिल्द और उनके दिल अल्लाह के जिक्र से नरम हो जाते हैं। ذلك هدى الله, अल्लाह ने कहा ये अल्लाह की हिदायत है। मुराद क्या है, अल्लाह ने क्या चीज़ नाजिल की, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, तो इस हिदायत से मुराद कुरान है। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया, वइन तुतियूहु तहतदू वमा अलर रसूल इल्ला बलागुल मुबीन, अगर तुम रसूल की पैरवी करोगे तो हिदायत पा जाओगे। तो मालूम यह हुआ कि रसूल की इताअत ये भी हिदायत है। इन दोनों का खुलासा कलाम कुरान और हदीस की इत्तबा, इसी का नाम हिदायत है। वो हिदायत जिस हिदायत वाले कानून को अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन पर उतारने के बाद पूरी दुनिया के लोगों के लिए बनाया। तो मालूम यह हुआ कि वो कानून जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए वज़ह किया, वो किताब व सुन्नत पे अमल करना है। हमसे पहले जो उम्मतें थी, हमसे पहले जो लोग थे, उनके लिए अलग कानून था, चूँकि हमसे पहले जो अम्बिया आए उनमें से बाज़ और दिगर अम्बिया की शरीयतों में बाज़ बाज़ तब्दीलियाँ थी, और कुछ न कुछ अलग मामला था। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहन और भाई का रिश्ता जायज़ था, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया में जायज़ नहीं। ऐसे ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में आप देखें तअज़ीमन सजदा करना जायज़। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बीबी और बच्चों के साथ वहाँ जब पहुँचते हैं, वखर्रू लहू सुज्जदा, सारे के सारे लोग सजदे में गिर जाते हैं, तो उस वक्त तअज़ीमन सजदा जायज़ था, लेकिन आज उम्मत मुहम्मदिया में जायज़ नहीं। किसी के सामने आप तअज़ीमी तौर पे सजदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज उम्मत मुहम्मदिया के लिए जो कानून अल्लाह ताला ने बनाया है, वो कानून
कानून हिदायत, और ये उस कानून हिदायत से मुराद कुरान और हदीस की इत्तबा है। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि लोगों कुरान और हदीस की इत्तबा और पैरवी करो तो आखिरत में तुम कामयाब होगे। और यही हाफिज़ साहब की यानी नात का आगाज़ था कि अगर जन्नत में जाना है इताअत कर मोहम्मद की, यानी रसूल पाक की इताअत करके और रसूलुल्लाह की इताअत, अल्लाह की इताअत, ये दोनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों की इताअत करके ज़िंदगी गुजारते हैं आखिरत में हमारा ठिकाना जन्नत होगा और दुनिया में भी अल्लाह ताला इज़्ज़त व वक़ार की ज़िंदगी अता फ़रमाएगा, शान व शौकत की ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। आज जो ज़िल्लत व रुसवाई हम पर छाई हुई है, इनके असबाब में से एक अहम सबब यह है कि आज हमने किताब व सुन्नत से अपने को दूर कर लिया है, आज हमने किताब व सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया है। वरना आज भी अल्लाह की नुसरत और मदद आती और ये कि कोई भी हम पर गालिब नहीं हो सकता। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम कहने को तो मुसलमान हैं, कहने को तो अहले ईमान है, लेकिन अमल के मैदान में हम बहुत डाउन हैं। ज़रूरत इस बात की है अमली फील्ड में हम अपने आप को आगे बढ़ाएं, किताब व सुन्नत के पक्के मुत्तबे बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारें, तभी जाकर हम कामयाब व कामरान होंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी वजूहात हैं, मैं चंद एक की वजाहत कर दूँ, फिर उसके बाद हमारे बीच मुल्क हिंदुस्तान के मारूफ व मशहूर ख़तीब तशरीफ़ लाएँगे। बहरहाल उनमें से एक अहम वजह यह है कि किताब व सुन्नत की इत्तबा ज़रूरी क्यों, उसमें से एक अहम वजह ये कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने हमें कुरान और हदीस की ही इत्तबा का हुक्म दिया, बाकी चीज़ों को छोड़ देने का हुक्म दिया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून, कि लोगों उस चीज़ की इत्तबा करो जो तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई, और इसके अलावा किसी और की इत्तबा और पैरवी न करो। अब आप सोचें कि अल्लाह ताला की जानिब से क्या नाजिल किया गया, पूरी दुनिया जानती है कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की जानिब से नाजिल की गई किताब है जो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहि सलातो वस्सलाम के ज़रिए मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लैलतुल क़द्र में शब क़द्र में रमज़ान के महीने में नाजिल फरमाया। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं अहादीस जो हैं वो भी अल्लाह की जानिब से हैं। क्यों? क्योंकि वमा यंतिको अनिल हवा, वमा यंतिको अनिल हवा, अल्लाह ने कुरान में कहा कि रसूल अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, अल्लाह के नबी वही बात कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही होती है। गोया अल्लाह के नबी उन बातों को बयान फरमाते हैं जो अल्लाह ताला वही करता है, जिब्रील अली सलाम के ज़रिए आपको पैगाम देता है। तो मालूम ये हुआ अल्लाह के रसूल की बातें भी अल्लाह की जानिब से है, कुरान भी अल्लाह की जानिब से, रसूलुल्लाह की बातें भी अल्लाह की जानिब से, क्योंकि रसूल की ज़बान उसी वक्त खुलती जब अल्लाह का हुक्म होता है, जब अल्लाह ताला वही करता है। जिब्रील अली सलात व सलाम अल्लाह के पैगाम को लेकर आते हैं तो अल्लाह ताला की जानिब से कुरान नाजिल किया गया है और यह हदीस भी अल्लाह ही की जानिब से है। इसीलिए कुरान और हदीस की इत्तबा हमारे लिए जरूरी है, वाजिब है, इसी में हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि कुरान और हदीस ही वो किताब है जो हर किस्म की गलतियों से महफूज है, वरना कुरान और हदीस के अलावा दुनिया की और कोई किताब नहीं जिसके बारे में चैलेंज किया जाए कि यह गलतियों से महफूज है। दुनिया में किसी और का कलाम ऐसा कलाम नहीं जिसके बारे में चैलेंज किया जाए कि यह गलतियों से महफूज है। अगर चैलेंज के काबिल कोई किताब है तो अल्लाह की किताब है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है जिसके बारे में चैलेंज किया जा सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैही वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, कि बातिल आगे से पीछे से दाएं से बाएं से कहीं से भी कामयाब नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नाजिल शुदा है और अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज दिया, वो चैलेंज आज भी मौजूद है। وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, कि लोगों अगर तुम्हें उस किताब के बारे में शक है जिसको हमने मुहम्मद रसूलुल्लाह पर नाजिल किया तो लाओ इस जैसी एक सूरह ला दो। कुरान में 114 सूरतें हैं, उनमें से अल्लाह ने कहा एक सूरह ला कर दिखा दो, पूरी दुनिया आजिज़ है, बेबस है,
आज तक दुनिया के लोगों ने कुरान के मुकाबले में 114 सूरतें तो छोड़ो, एक सूरह भी पेश करने से कासिर है, नहीं पेश कर सकी। आज भी वो चैलेंज मौजूद है। बड़े बड़े फुकहा और बड़े बड़े जानकार लोग दुनिया में आए, लेकिन कोई भी शख्स कुरान के मुकाबले में एक सूरह नहीं पेश कर सका। मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के लोगों को चैलेंज दिया, कोई भी एक सूरह भी नहीं पेश कर सका। और एक हदीस के अंदर आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बारे में आता है, वो कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बातों को नोट कर लेता, जो भी सुनता उसे नोट कर लेता। कुरैश के लोगों ने मुझसे कहा कि यार तुम सारी बात नोट कर लेते हो, हालांकि आप कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुशी में होते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस कहते हैं कि मैंने लिखना छोड़ दिया, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया कि ऐसे ऐसे मामला था, मैंने ऐसे ऐसे किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जुमला इस्तेमाल किया, कहा अपनी ज़बान की तरफ, मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, उक्तु फवल्लदी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक्कुन, कि ऐ अब्दुल्ला बिन अम्र सुनो, जो तुम लिख रहे थे लिखो, मेरी इस जबान से हक के सिवा कुछ निकलता ही नहीं, मेरी जबान से सिर्फ हक निकलता है और कुछ निकलता ही नहीं। क्यों क्यों इतने दावे के साथ आपने कहा? क्योंकि अल्लाह के रसूल उसी वक्त बात करते जब अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर आपको पैगाम देता, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते। कुरान का पैगाम है वमा यंतिकु अनिल हवा, कि अल्लाह के रसूल अपनी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं कहते। और मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये बात भी याद रखें कि हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ज़िंदा थे, आप कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक लोगों को ज़िंदगी गुजारने की तालीम देते रहे। और जब दुनिया से आपकी जुदाई का वक्त करीब हुआ, आप दुनिया से जाने लगे, तो लोगों को पैगाम दिया, ऐ लोगो तरक्तु फीकुम शैइन लन तज़िल्लू बादहुमा किताब अल्लाह व सुन्नती, लोगों आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखो तुम्हारे दरमियान मैंने दो चीज़ें छोड़ दी हैं, दो चीज़ें छोड़ी हैं, एक अल्लाह की किताब और एक अपनी यानी मेरी सुन्नत। इन दो चीज़ों को अगर तुम मजबूती से थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह ताला की किताब को और मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान को जब तक तुम मजबूती से थामे रहोगे, कभी कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता, तुम गुमराह नहीं हो सकते। तो अल्लाह की किताब को और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस को हम अगर मजबूती से थामे हुए हैं, तो कायनात की कोई ताकत हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। और याद रखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जमात को, जिस फिरके को फिरके नाजिया कहा, कामयाब होने वाली जमात कहा, उस जमात का मनहज भी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपने इरशाद फरमाया कि यहूद 71 फ़िरकों में, नसारा 72 फ़िरकों में, और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में तकसीम होगी, सब के सब जहन्नम में, सिर्फ एक जमात जन्नत में जाएगी। साहबे इकराम ने सवाल किया, वो कौन होंगे अल्लाह के रसूल? आपने कहा मा अना अलैही व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। आप बताएं कि रसूलुल्लाह किस चीज़ पर थे, आपके सहाबा किस चीज़ पर थे? हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की विलादत तो अल्लाह के पैगम्बर की वफात से कई साल बाद होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 11 हिजरी के अंदर रबीउल अव्वल के महीने में दुनिया से जुदा होते हैं, और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इनकी पैदाइश होती है सन 80 हिजरी के अंदर, 69 ईयर्स
बाद वो पैदा होते हैं। तो बताओ उस दरमियान जो सहाबा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, वो किस चीज़ पर अमल करते थे? जाहिर सी बात है वो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अमल करते थे। इसीलिए कहा जाता है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह यह हमारे लिए सबसे अहम और ज़रूरी है। इसी के ऊपर चलकर हम इस दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकते हैं, बाद मरने के भी कामयाबी इसी के ऊपर है, इसके अलावा कहीं और से कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। क्योंकि हश्र के मैदान में हमारे जजा और सज़ा का जो मेयार होगा, अल्लाह ताला जो हमें बदला देगा, जजा देगा, सज़ा देगा, उसका मेयार कुरान और हदीस होगा। कुरान और हदीस के मुताबिक अगर हमारा अमल है तो अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा, इसके बरअक्स है अल्लाह ताला हमें जहन्नम में दाखिल करेगा। वहाँ और तीसरी चीज़ नहीं देखी जाएगी। आपने नमाज पढ़ा, आपने रोज़ा रखा, आपने हज किया, आपने ज़कात दिया, आपने बहुत सारे अच्छे अमल किए, आपके सारे अमल को किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के तराजू पे तौला जाएगा। अगर आपका अमल कुरान और हदीस के मुताबिक है आप पास हैं, और वरना आप फेल हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया मन युतिअल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूद। लंबी आयत है जिसका मफहूम यह है कि जो शख्स अल्लाह की रसूल की इताअत करता है अल्लाह ताला उसको ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी और वो शख्स उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, और यह बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला के जो हदूद हैं, जो हदें हैं, उसको क्रॉस करेगा, पार करेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। तो आखिरत में जजा और सज़ा का जो मेयार होगा वो कुरान और हदीस। इसीलिए इस बात पर लोगों को तवज्जो दिलाई जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारें, इसी में हमारे लिए खैर और भलाई है। हर मसले में ये देखें कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं, अगर है तो उसे करें, वरना करने की कोशिश न करें। अकल का दखल न दे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी हदीस है, वो कहते हैं कि मैं एक मरतबा खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खाने काबा के चारों कोने का इस्तलाम कर रहे थे, तो इन्होंने उनको टोक दिया ले मतस्तलिमु हादैनि रुकनैन, आप इन दो कोने का इस्तलाम क्यों करते हैं? रसूलुल्लाह ने तो नहीं किया, रसूलुल्लाह ने सिर्फ हजर असवद और रुकन यमानी का किया, आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने क्या जुमला इस्तेमाल किया, लैसा शय्युम मिनल बैत महजूरा, खाने काबा की कोई चीज़ छोड़ने के लायक नहीं। बहुत बाबरकत घर है, अगर हमने चारों कोने का इस्तलाम कर दिया तो हरज क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जुमला इस्तेमाल किया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सुनो तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी उसवा है, नमूना है। तुम ऐसा नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से जो चाहो करो, नहीं, अल्लाह उसके रसूल ने जो कहा, जितना कहा, जब कहा, जैसे कहा वैसे ही हमें अमल करना है। खुद से किसी चीज़ को हम सोच लें ऐसे करें ऐसे करें, ये जायज़ नहीं, ये दुरुस्त नहीं। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन कबूल कर लिया, कहा सदक़्त, ऐ मेरे भाई तू सच कर रहा है, तू सच कर रहा है, मुझे सिर्फ़ रुकने यमानी और हजर असवद का ही इस्तेलाम करना चाहिए, मैंने और दो कोने का जो इस्तेलाम किया है ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने नहीं किया। तो ये है हमारा दीन, ये हमारा इस्लाम। हम यहाँ अकल का दखल न दे, बल्कि किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह में जो चीज़ है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसी में हमारे लिए कामयाबी और कामरानी है। अगर इससे हटकर ज़िंदगी गुजारेंगे दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी ज़िल्लत हमारा मुकद्दर होगी। और याद रखें, बस चंद और बातें अर्ज़ करके बात ख़त्म करूं कि याद रखें, अगर हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह ताला गैब से हमारी मदद करेगा। मौजूदा दौर में हम परेशान हैं, टेंशन में हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारें, इनका टेंशन, उनका टेंशन, बहुत सारे टेंशन, हुकूमती सतह पर फला फला, बहुत सारी मुश्किलात लोग पेश करते हैं। याद रखो
अगर तुम नेक बन जाओगे, हम नेक बन जाएंगे, अल्लाह ताला गैब से हमारी मदद करेगा। अल्लाह ताला अपने ईमान वाले नेक बंदों के साथ है। अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया, इन्नल्लाह मअल्लज़ीन तक़ौ वल्लज़ीन हुम मुहसिनून। अल्लाह ताला मुत्तकी बंदों के साथ, नेक बंदों के साथ है, नेक लोगों के साथ है। और अल्लाह ताला जिसके साथ होगा, कायनात की कोई ताकत उसका कुछ कर नहीं सकती। आप याद रखें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को वहाँ से कबूल किया और उनको बाहर निकाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले किया गया, अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी हिफाजत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर निकले, पीछे फिरौन का लश्कर, सामने दरिया, बचने का चांस नहीं, ऐसा लगता अब हम नहीं बचेंगे। और उनकी कौम के लोगों ने यह कह दिया, ए मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब हम पकड़ लिए जाएंगे, हमारे बचने का कोई चांस नहीं। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल्ला इन्ना मईया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, हमारे साथ हमारा रब है, वो हमारी रहनुमाई करेगा। और हुआ ऐसा, अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पे, दरिया पे असा को मारा, रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पार हो गए। और जब फिरौन उनका लश्कर आया, वो सब के सब गर्क हो गए, डूब गए। ये किसकी ताकत है, किसकी कुव्वत है, कौन मदद कर रहा है? अल्लाह सुबहान व तआला की जानिब से ये मदद है। किन के लिए है? अपने नेक बंदों के लिए है। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा कर लिया गया, दारुन नदवा में मीटिंग की गई, 50 नौजवानों को मुंतखब करके आपके घर के दरवाजे पे लगा दिया जाता है, जैसे निकले मोहम्मद इन्हें कत्ल कर दो, इनका काम तमाम कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वजअल्ना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फिहिम सद्दन फअग्शैनाहुम फहुम ला युबसिरून, इस आयत करीमा को पढ़ते हुए इनके सामने से गुजर जाते हैं, वो आपका कुछ नहीं कर पाते। कौन मदद कर रहा है? अल्लाह सुबहानहू व तआला। गारे सोर में पहुँचे, दुश्मन ताकुब करते हुए, पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए, करीब था कि वो आपको देख लेते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने उनके कदमों को देखा, कहा या रसूल अल्लाह अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी, कहा ला तहजन इन्नल्लाह मअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ने हिफाजत की, वो आपका कुछ नहीं कर सके। निगाह नीची करते तो देख लेते, लेकिन निगाह नीची न कर सके। किसने मदद की? अल्लाह सुबहानहू व तआला ने मदद की। लिहाजा मुसलमानों, लोगों खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, हम नेक बन जाएं, सालेह बन जाएं, कुरान और हदीस के पक्के सच्चे मुत्तबे बन जाएं, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, नमाज के पाबंद बन जाएं, रोज़ा रखने वाले बन जाएं, कुरान की तिलावत करने वाले बन जाएं, पड़ोस के साथ अच्छा मामला करना, रिश्तेदारों से सिला रहमी करना, बड़ों का अदब, छोटों पर शफकत, अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा मामला करना, वालिदैन के साथ अच्छा मामला करना, भाइयों के साथ अच्छा मामला करना, यानी तमाम किस्म के नेकी के काम अगर हम अंजाम देने लगे, अल्लाह सुबहानहु व तआला हमसे खुश होगा, अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी। अल्लाह ऐसे ऐसी ऐसी जगह हमारी मदद फरमाएगा जहां हमारे बचने का चांस नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारी तादाद कम है, हम इसमें कम हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लो। तादाद की किल्लत और कसरत ये माना नहीं रखती है। अगर हमारा ईमान मजबूत है, हम कुरान और हदीस के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल करने वाले हैं, अल्लाह सुबहान व ताला की मदद आएगी, अल्लाह सुबहान व ताला की मदद आएगी। और अल्लाह ताला की जब मदद आती है और अल्लाह अपने मोमिन बंदों की मदद करता है, तो फिर कोई भी ताकत अल्लाह की ताकत के आगे चल नहीं पाती, सारी ताकतें फेल हैं, अल्लाह की ताकत तमाम ताकतों पे हावी और गालिब है। लिहाजा मुसलमानों, हम अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करें और अल्लाह का एक कानून याद रखें, जब तक हम अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाएंगे, तब्दीली नहीं लाएंगे, अल्लाह ताला हमारे अंदर तब्दीली नहीं लाएगा। कुरान में अल्लाह ने उसूल बतला दिया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को न बदले।
इसलिए आज ये जो जलसा मुनक़िद किया गया, इसमें जो पैसे खर्च किए गए, इसलिए कि हम इसके ज़रिए कुछ दीन को सीखें, दीन को सीखकर उस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारें। तो आज हम अपने अंदर या अपने लिए ये तहिया करें कि अब आज से हम अपने अंदर चेंजिंग लाते हैं, अच्छे बनते हैं, नेक बनते हैं, ज़बान की हिफाजत करने वाले बनते हैं, हाथ की हिफाजत करने वाले बनते हैं, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बनते हैं, और ये कि तमाम तरह के हकूक़ अदा करने की हम कोशिश करेंगे। इस तरह का तहिया कर कर आज अगर हम उठते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर तब्दीली आएगी, और जब तब्दीली आएगी हमारे अंदर ईमान की कुव्वत बढ़ेगी। जब हम पक्के सच्चे मोमिन बनकर कुरान और हदीस पे मुकम्मल तौर पे अमल पैरा हो जाएंगे, अल्लाह की नुसरत और मदद आएगी। जब अल्लाह की मदद आएगी ये कायनात की ताकत हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगी। लिहाजा हम अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान और हदीस के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम हम सबको नेक और सालेह अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें जो बीमार उन्हें शफा अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। मौलाए करीम हम में से बहुत सारे मुसलमान बेकसूर जेल की सलाखों में कैद हैं, परवरदिगार उनकी जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा, उनके घर वालों को सब्र की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम मुसलमानों को इस मुल्क हिंदुस्तान में बाइज्जत शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त और सरबलंदी अता फरमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्लश शिर्क वल मुशरिकीन। اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله।